नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। 5 साल बीत जाने के बाद नहीं हुआ गांव का विकास। स्वच्छ मिशन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले विकासखंड बलहा ग्राम पंचायत पतरिया के मजरा खुलास पुरवा का है, जहां पर ग्रामीण गांव में विकास न होने पर काफी परेशान है। होने के 5 साल पूरा हो गए, गांव में नहीं हुआ कोई कार्य। हल्की सी बारिश हो जाने पर ग्रामों के घर से बाहर निकलना हो जाता है मुश्किल। इस बात पर प्रधान जी भी नहीं करते हैं नजरअंदाज। जहां पर एक तरफ सरकार गांव के विकास को लेकर पानी की तरफ पैसा बहा रहे, वहीं ग्राम प्रधान लापरवाह बने बैठे हैं। अहमद हुसैन के साथ राजीव कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के बलहा ब्लॉक ग्राम के अंतर्गत पतरिया ग्राम सभा में खड़ा हूँ, जहाँ पे पिछले 5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक कोई प्रधान द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। न कहीं नाली बना है, न कहीं खड़ंजा बना है, न किसी को लेटरिन दिया गया है, न किसी को आवास दिया गया है। जहाँ पे हमारे यूपीए सरकार इतने इतने बड़े बड़े दावा कर रही है कि सारे लोगों को लेटरिन दिया जाए, बिल्कुल पक्की डामर रोड बने, RCC लगे, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य के बराबर है। आइए हम कुछ ग्रामवासियों से बातचीत आपकी करवाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? देशराज वर्मा। कौन सा ग्राम साहब आपका? पतरिया। ब्लॉक कौन सा है? बला। जिला कौन सा है? बहराइच। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि ये पतरिया मौजे में सारे जिले में कोई भी काम हुआ, लेकिन ये हुलासपुरा मौजा इस प्रधान के क्षेत्र में नहीं आ रहा है। अच्छा, कह रहे हमारे क्षेत्र में नहीं नहीं आ रहा है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कहीं एक ईंट उठा के रखी गई और कोई काम ऐसा नहीं हुआ। आपका क्या नाम है चाचा? कौन सा ग्राम सभा? जिला कौन सा है? क्या समस्या है? हमारे गांव में ये पूरी सड़क खराब हो गई है, हम लोग निकलते हैं तकलीफ होती है। प्रधान से बोलते हैं, बोलता है कि नहीं बनवाएंगे आपके यहाँ रोड, और बोलते हैं कि हमारे यहाँ आपके हुलासपुरा नक्शे से बाहर है। 5 साल में 5 साल और 10 साल से सर ऐसे ही हमारा। क्या नाम है प्रधान जी का? विजय चौधरी। विजय चौधरी। हमारे यहाँ जो रोड आई भी थी तो उन्होंने निकलवा करके अपने गांव में लगवा दिया। बोलते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। बोलते हैं हमारे मौजे का नंबर 2 पे हमारा गांव है, मौजे में हमारा नंबर 2 पे गांव है, फिर भी वो बोल रहे हैं कोई कार्य नहीं करेंगे। जो कुछ करना है कर लीजिए, कहीं भी जाना है जाइए, कुछ कार्य नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कौन सा ग्राम सभा है? ब्लॉक क्या है? जिला। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है कि जो ग्राम पंचायत पतरिया के अंतर्गत ब्लॉक ग्राम जो आता है जी, तो इसमें सड़क की इतनी खराब है, आने जाने के लिए पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में इतनी समस्या हो जाती है कि लोग पैदल नहीं निकल पाते हैं। इसके बारे में खास करके हमारे ग्राम पंचायत ग्राम इस बारे में आपने प्रधान जी का से बात किया? हम गए लोग, हम भी गए और अन्य लोगों ने गए, आश्वासन दिया कि हाँ। क्या नाम है प्रधान जी का? विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी। अब जैसा कि इन गांव की इतनी बड़ी समस्या है, जैसा कि आपको हम दिखा रहे कैमरे के माध्यम से, ये पूरी रोड न जहाँ तक न कोई कार्य हुआ है, न इस पर नाली बना है, न इस पर खड़ंजा बना है। अब देखना यह है कि न्यूज चलने के बाद क्या अधिकारी इस पे कोई एक्शन लेते हैं। मैं राजीव कुमार सिंह, कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ यूपी लाइव 100 न्यूज़ चैनल से। आपने इसके बारे में प्रधान जी से कहा? प्रधान से गांव भर के आश्वासन दिए, तेरू 3-4 साल से आश्वासन देते हैं तो फिर? कि आपके गांव में हम वो RCC रोड बनवाएंगे। तो हम लोग सहारा देखे थे कि अब बनवाई है, गर्मी आ जाए तब बनवा में, ठंडी आ जाए तब बनवा में। 5 साल से आज तक आप ही इसी कहें कि तो ना 2 महीना के बाद तुम्हारा गांव कहन या खड़ंजा उजार कहन और RCC बने, बता आज तक कोई देखा नहीं। RCC अपने गांव नहीं चली। क्या नाम है आपका? शारदा है। कौन सा ग्राम पंचायत है? पतरिया। क्या समस्या है आपको? आज समस्या ये है कि हमका लोगन कहें बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी पड़ता है, सब चैला पानी भर जाता है। और प्रधान से कहा तो कहता है हाँ बनाएंगे नाली और सब कुछ, और कुछ नहीं करता है। 5 सालों के बीच में कोई कार हुआ? कोई कार साहब नहीं भया, नहीं हुआ। हाँ हाँ, कोई कार नहीं भया। इसके बारे में प्रधान जी से कुछ कहा? कहागा तो वो कहता है हाँ आंसू नहीं आंसू, बाहर कराएंगे इधर कराएंगे, और कोई साहब कोई काम नहीं कराता। क्या नाम है आपका? राम सिंह जी। राम सिंह।
कौन सा गांव है ये? राजपुरवा। क्या समस्या है आपको? तकलीफ है, हमारे लंगर आदमी यार लाइटरी का है, मांगे तो प्रधान से कहें तो रोड 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 में 5 सालों के बीच में प्रधान द्वारा कोई कार करवाया गया है नाली खड़ंजा को लेकर के शौचालय नहीं हुआ है, इसके बारे में प्रधान जी से आप लोग ने कहा? अरे कहेंगे 50 आदमी रहो के बीच में कहा कि हमें वो टूट गया नहीं है साहब, वो टूट गया है लाइट नहीं होगा दिन जाए तो कोई शांति आप तो काटा हो रहा पुराना नक्सल बात पूछ लो। बोल लो, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार वर्मा। कौन सा ग्राम सभा है? उलासपुरवा पतरिया ग्राम सभा। ब्लॉक बलहा। जिला बहराइच। क्या समस्या आपकी बताइए? समस्या है हमारे गाँव में कभी बहुत दिनों से कभी 5 से 10 साल से जी, और एक ना नाली ना खड़ंजा ना लेटरिन ना बाथरूम किसी के यहाँ नहीं बना हुआ है। पूरी 5 साल में हर ग्राम सभा हर गांव में लेटरिन और बाथरूम सब बना हुआ है, और हमारे गांव में हर साल कहते हैं इस साल देंगे, एक बार अब एक लेटरिन किसी को नहीं दिया। लेकिन जैसे आपने प्रधान जी से बात किया, कई बार कहा तो उन्होंने कहा है कि हमारे नक्शे में नहीं है उलासपुरवा गाँव, नक्शे में नहीं है हमारे। इस बारे में आपने सेक्रेटरी से कोई बात किया? सब लोगों से बात किया जो सेक्रेटरी प्रधान के ही सारे पर चलते हैं। अच्छा, और वोट आप लोग कहाँ उसी प्रधान को डालने जाते हैं? उसको नहीं देते हैं, मतलब वोट उसी ग्राम, मतलब जहाँ वोट पड़ता उसी ग्राम सभा में, इसी ग्राम सभा में है और दूसरी जगह नहीं। और जब आप विकास का नाम आता तो बताते थे हमारे इसमें नहीं है, नक्शे में नहीं है। आप यहाँ के कौन हैं? सदस्य हैं। सदस्य हैं। लेटरिंग के लिए विशेष कोशिश की गई कि किसी गांव में, हमारे गांव में एक ही लेटरिंग किसी को नहीं दिया गया। अभिलाख नाम जी। अभिलाख नाम। कौन सा गांव है ये? लीलापुरवा। क्या समस्या ये है? गांव का नाम ये गांव होलासपुरवा। ये होलासपुरवा। हाँ, क्या समस्या है आपको? क्या नाम है चाचा आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? पतरिया। यहाँ के प्रधान कौन है? विजय। ब्लॉक कौन सा है? बलहा। जिला कौन है? बहराइच। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ 5 सालों के बीच में कार हुआ है? कुछ नहीं हुआ। प्रधान द्वारा कुछ नहीं नहीं हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, रोड नाली खड़ंजा को कुछ मरम्मत हुआ है? नहीं हुआ, हमारे गांव निकरब भारू है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कभी सफाई कर्मी आते हैं? कभी नहीं। साफ सफाई को लेकर यहाँ पर कुछ कोई ना आवत? कुछ ना है, सफाई कर्मी नहीं आते? कुछ नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, अरे तो साहब सफाई का जब हमें नाली नहीं है तो उनको चहला टा रहे हैं गांव के, मैंने इतना गंदगी भरा हुआ है और ना कोई नाली है।